हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स में। मैं हूँ मुकीम अंसारी और आप देख रहे हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा दसवीं के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को बतलाने वाले हैं क्षेत्रमिति का ऐसे VBI क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे बता दें कि जो भी सुन अभी तक हमारा मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का सभी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आज सभी को उसमें अपडेट कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और उस ऐप को डाउनलोड कर लें ताकि आपकी जो मैट्रिक की तैयारी हो और भी मजबूत हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी पहला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेमी ऊंचा है, जिसके दोनों सिरों की त्रिज्या क्रमशः 28 सेमी और 7 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा, यानी इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले हमको एक छिन्नक के आकार का कोई भी वस्तु बना लेना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको गिलास बना के दिखा देता हूँ। तो छिन्नक कुछ इस प्रकार से होता है, कभी भी आपको तुर्की टोपी पूछ दे, बाल्टी पूछ दे, गिलास पूछ दे, आप सभी को हमेशा ध्यान में सोचना है कि वह आपसे छिन्नक पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका जो ऊंचाई है यानी हाइट है वो कितना सेमी है, 45 सेमी है, तो आपको h बराबर 45 सेमी लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है जिसके दोनों सिरों की त्रिज्या जो है वो 28 सेमी है और 7 सेमी है। यहाँ पे त्रिज्या को हम r बोलते हैं, तो r एक जो है हमारा 28 सेमी है और दूसरा जो r है वो 7 सेमी है। दोनों r को हम पहचानने के लिए एक हम लिखेंगे बड़ा r और दूसरा लिखेंगे छोटा r। आप चाहे तो R1 और R2 भी लिख सकते हैं। तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना है ना, तो आप सभी को मालूम होगा कि छिन्ना का जो आयतन होता है, चलिए मैं यहाँ पर आप सभी को फार्मूला भी लिख के बता देता हूँ। छिन्ना का आयतन होता है 1/3π R² प्लस R r प्लस R² और गुने h होते हैं। ठीक है, यही होता है दोस्तों छिन्ना का फार्मूला, और इसी फार्मूला के माध्यम से आप सभी को इस क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 को आप 1/3 लिख दीजिएगा, फिर गुना होते हैं और पाई का मान है, पाई का मान तो आप सभी को मालूम होगा 22/7 होते हैं, तो 22/7 आप सभी को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे है R², तो R का मान यहाँ पे 28 है ना, तो हम 28 को स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में प्लस में है R गुने छोटका R, तो R का मान हमारे यहाँ पे 28 है, छोटका R का मान 7 है, तो 28 × 7 हम लिख दिए हैं। उसके बाद में है प्लस R², तो R का मान दोस्तों कितना है, 7 है, तो आपको 7 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद में कोष्ठ है और गुना है एच का मान, एच का मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई हमारा कितना है दोस्तों, तो 45 है, हम 45 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप सभी को क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 1/3 को 1/3 लिख दीजिएगा, गुना को गुना लिखिएगा, 22/7 को भी सेम टू सेम लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 28 का स्क्वायर है, ठीक है, 28 को सबसे पहले आपको वर्ग लिखना होगा, यानी 28 में 28 से गुना करके लिख देना होगा, तो 28 का स्क्वायर 784 होते हैं, फिर प्लस उसके बाद में 28 में 7 से गुना कर दीजिएगा, 28 में 7 से गुना कर दीजिएगा तो 196 हो जाएंगे, फिर प्लस 7 का स्क्वायर, दोस्तों 7 के स्क्वायर कितने होते हैं, उम्मीद है आप सभी को मालूम होगा, 749 होते हैं। और गुना जो 45 है, गुना 45 को सेम टू सेम आप सभी को लिख देना है। उसके बाद में आपको ये क्या करना है कि 1/3 को 1/3 लिख दीजिएगा, उसके बाद में गुने 22/7 है, 22/7 लिख दीजिएगा। ये कोष हटता है, तो आप सभी को तो मालूम होगा कि कोष हटाते हैं तो हम गुना लिखते हैं ना, तो कोष हटा तो हम गुना लिख देंगे, और ये 784, 196 और 49 को हम ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे ना, तो हमारा 1029 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे गुना है 45, तो हम गुना 45 लिख देंगे। यहाँ पे हमको क्या करना है कि 3 से हम इसे कटा सकते हैं, कितने मरतबे, 15 × 3 = 45 होते हैं, तो यहाँ पे हम 15 लिख सकते हैं। 7 × 10 = 29 को कटा सकते हैं, ये 147 मरतबे कट जाते हैं। उसके बाद में आप सभी को बता दें कि 22 में 147 से गुना कर दीजिएगा, उसके बाद में 15 से गुना कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 48,510 आ जाएगा, जो कि आपको सेमी क्यू में लिखना होगा। दोस्तों आपसे बता दें कि जब भी आपको आयतन ज्ञात करना रहता है तो उसका आंसर सेमी क्यू लिखते हैं। अगर आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो आयतन जो होता है, सॉरी वो स्क्वायर जो होता है, वो सेमी स्क्वायर वहाँ पे लिखते हैं, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ में, आयतन में हम क्यू लिखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई
चार सेमी है तथा इसके परिधि 18 सेमी और 9 सेमी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए छिन्नक का जब तिर्यक ऊंचाई की बात करें, वो शंकु में हो या छिन्नक में, तिर्यक ऊंचाई को हम हमेशा एल मानते हैं, ठीक है। तो एल का मान हमारा कितना सेमी दिया गया है दोस्तों, तो 4 सेमी दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसके परिधि 18 सेमी और 6 सेमी है। तो हमें परिधि का मान कितना मालूम है, तो एक मालूम है परिधि का मान 18 सेमी, और एक जो परिधि का मान है वो कितना सेमी है, तो 6 सेमी है। इतना तो क्लियर हो गया। उसके बाद में आश्रयों क्या करना होगा कि छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेना होगा। हे दोस्तों छिन्नक का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है पाई इंटू बड़का आर या प्लस छोटका आर और गुने एल होते हैं। तो यहाँ पे तो आपको मान जाइए आर का, ठीक है, यहाँ पे आपको परिधि दिया गया। तो सबसे पहले आप आर निकालेंगे। आर निकालने का फॉर्मूला होता है परिधि बटे 2π। तो परिधि का मान यहाँ पे 18 है, तो 18 को लिख दीजिएगा और 2π की जगह पे 2π ही लिख दीजिएगा। पाई का मान आप सभी को बैठाना नहीं है। देखिए 9 × 18 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे दोस्तों, 9 बटे π आपका बड़का आर का मान हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप यहाँ पे छोटका आर का मान ज्ञात करेंगे, वही फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा जो होते हैं परिधि बटे 2π। तो परिधि की जगह पे आपको लिखना है 6 और 2π को 2π लिख दीजिएगा ना, तो 2 तिहाई कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी इसका भी आ जाएगा 3 बटा π। उसके बाद में आपसे बता दें इस फॉर्मूला के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए पाई दिया गया है, पाई को पाई लिख दीजिएगा बड़का आर का मान। दोस्तों बड़का आर का मान यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 9 बटा π, तो 9 बटे π लिख देंगे। उसके बाद में छोटका आर का मान, दोस्तों छोटका आर का मान यहाँ पे 3 बटा π है, 3 बटा π लिख देंगे, और गुना है एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई का मान। तो एल का मान क्वेश्चन में कितना दिया गया था दोस्तों, तो 4 दिया गया, तो आप ही लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है कि पाई को पाई लिखिएगा, ये कोष्ट को कोष्ट लिखिएगा, पाई और पाई को आपको एलसीएम लेना है। जब दोनों एलसीएम सेम टू सेम रहते हैं तो ऊपर वाले अंक को हम सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी 9 + 3 हम लिख सकते हैं और गुना 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि देखिए पाई को पाई लिखिएगा, कोष्ट हटेगा तो गुना हो जाएगा, 9 में 3 को ऐड कर देगा तो 9 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12 होते हैं, और बटा पाई का बटा पाई, गुना 4 है तो गुना 4 लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएंगे और यहाँ पे बचेंगे 12 × 4। आप सभी को बता दें कि 12 में 4 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाते हैं दोस्तों, 48 हो जाते हैं। और आपसे ये पूछा था वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ को हम सेमी स्क्वायर में लिखते हैं, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा 48 सेमी स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं खिलौना वाले प्रश्न। तो चलिए हम आप सभी को उस क्वेश्चन को भी बता देते हैं। हे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेट्रिक एग्जाम में। लगभग खिलौना वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपको मात्र 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है, तो आपको शंकु की तरह एक खिलौना बना लेना होगा। तो शंकु बना के और नीचे अर्धगोला बना लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से बना लीजिएगा फिगर में आप, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा, जिसका जो संपूर्ण ऊंचाई है यानी एच का जो मान है वो कितना क्वेश्चन में दिया गया है, तो 15.5 सेमी दिया गया है। तो एच बराबर आप लिखेंगे 15.5। और यहाँ पे देखिए खिलौने की त्रिज्या, तो त्रिज्या को हम तो बोलते हैं आर, आर का जो मान है कितना सेमी दिया गया है दोस्तों, 3.5 सेमी दिया गया है। तो इतना तो हमें क्लियर हो गया है, एक खिलौना है जिसमें अर्धगोला भी है और शंकु भी है, दोनों का त्रिज्या सेम टू सेम है 3.5, और खिलौने और अर्धगोला यानी शंकु अर्धगोला को मिलाकर हमारा जो ऊंचाई है वो 15.5 सेमी है। तो आप सभी से पूछा है कि खिलौने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु के जो भाग की ऊंचाई है उसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे शंकुआकार शंकु की भाग की ऊंचाई। तो हमको क्या करना होगा कि जो संपूर्ण ऊंचाई है इसमें से अगर हम त्रिज्या को मान घटा लेंगे तो हमारा शंकु का केवल ऊंचाई मालूम चल जाएगा। तो हमको क्या करना होगा, 15.5 करेंगे और माइनस कर देंगे 3.5। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 5 में से 5 को घटा लेते हैं तो 0 बच जाते हैं, दशमलव का दशमलव, 15 में से 3 को घटा लेते हैं तो 12 बचते हैं, यानी दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, यानी कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो आप सभी को क्या करना है कि इसका खिलौने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले आपको एल ज्ञात करना पड़ेगा यानी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा।
इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वह होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप सभी तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल से बना सकती हैं। एच का मान तो आपको मालूम चल गया है, एच का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे आप, फिर प्लस आर का स्क्वायर। आर का जो मान है यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 सेमी था क्वेश्चन में, तो आपको भी लिखना है 3.5 सेमी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, 12 के स्क्वायर कितने होते हैं, 144 होते हैं, और 3.5 के स्क्वायर कर दीजिएगा, दशमलव अगर नहीं रहता तो ये आपका 35 होता, और 35 का जो स्क्वायर होता है वो कितने होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं 1225 होते हैं, ठीक है। 525 और 3 चौका 12, तो 12.25 आप लिख सकते हैं। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि दोनों को ऐड कर लीजिएगा, 144 और 12.25 को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 156.25। तो इसको अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये लगभग 12.5 आएगा, जो कि आपका एल का मान आ जाएगा। उसके बाद में आपसे पूछा गया है खिलौने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना होगा कि खिलौने का वक्र पृष्ठ का इस तरीके से लिख दीजिएगा एग्जाम में, खिलौने का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना होगा कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड करना होगा। तो लिखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप सभी को मालूम होगा शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है। तो यहाँ पे देखिए मैथ का एक नियम है, जो दोनों में हमें मिल जाते हैं उसे हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पे पाई आर है और यहाँ पे भी पाई आर है, तो हमको क्या करना होगा कि पाई आर को हम कॉमन कर लेंगे, तो पाई आर हमारा कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेंगे एल प्लस 2r, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जब पाई आर को हम कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचेंगे हमारा एल प्लस 2r। तो हम क्या करेंगे, पाई का मान बैठा देंगे, पाई का मान होते हैं 22/7 और गुणे आर का मान। दोस्तों आर का मान बहुत ही सिंपल है, 3.5 तो क्वेश्चन में दिया ही गया था। उसके बाद में यहाँ पे एल का मान, तो एल का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 12.5, तो हम लिखेंगे 12.5, फिर प्लस 2r है यानी 2 × r का मान, तो r का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो ये 3.5 से भी क्वेश्चन में ही दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि देखिए ये 7×5 आप कटा सकते हैं तो 0.5 बचेंगे, ठीक है। 7×5 कटा दीजिएगा तो 0.5 बचेंगे, तो यहाँ पे हो गए 12×22×0.5। उसके बाद में आपको कोष्ट में है, ये है कितना 12.5, फिर प्लस आपको क्या करना होगा कि 3.5 में 7 से गुना कर लीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 35×17 होते हैं, यानी आपका 7 हो जाएंगे। उसके बाद वाले स्टेप में आपको क्या करना होगा कि 22×0.5 कीजिएगा, कोष्ट हटता है तो गुना होता है, 12.5 में आपको 7 को ऐड कर देना होगा, तो 12.5 में 7 को ऐड कर लीजिएगा तो आपका कितने हो जाएंगे, 19.5 हो जाएंगे, ठीक है, 19.5 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि ये तो तीनों में मल्टीप्लीकेशन में है, तो तीनों में गुना कर लीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो 214.5 सेमी स्क्वायर आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन बता देते हैं, जो कि आपके मेट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है, और वह प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे दिया गया है कि दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेमी² है, ठीक है, सॉरी 64 सेमी³ है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लेते हैं कि यह एक प्रकार का घन है, ठीक है, यह एक प्रकार का अगर हम घन है ना, तो ऐसा ही अगर इसमें एक और अगर घन को हम अगर ऐड कर देते हैं ना, अगर इसमें एक और हम घन ऐड कर देते हैं, तो जो लंबाई पहले होगा वो इसमें केवल लंबाई का मान बढ़ जाएगा, लंबाई को हम जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमें को आयतन प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा का क्या करेंगे, तो रूट अंडर आयतन कर देंगे, क्यू रूट आयतन एक फार्मूला होता है घन का, जब आप फार्मूला याद कीजिएगा तो भुजा बराबर क्यू रूट आयतन एक फार्मूला होता है, तो क्यू रूट अंडर आयतन को मान यहाँ पे लिख दीजिएगा 64 है, तो क्यू रूट अंडर 64 का गुणनखंड कीजिएगा, 4×16, 16×64, तो आप सभी को मालूम होगा कि क्यू रूट में हम 3 को का जोड़ा लगा के बाहर निकालते हैं, तो 3×4 = 4 हो जाएगा। तो लंबाई का मान यहाँ पे हम यह प्रत्येक भुजा का मान 4 आ गया, तो मान लेते हैं कि जब दो घन है उसको जब हम दो घन को एक साथ मिलाएंगे जिसका प्रत्येक का भुजा 4 सेमी है, तो लंबाई का मान हमारा बढ़ जाएगा, 4+4 हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा, और b का मान 4 ही रहेगा, h का मान 4 ही रहेगा। तो आपसे पूछा गया है कि घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोस्तों आपसे बता दें कि घनाभ का कुल पृष्ठ का एक फार्मूला होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, वह होता है 2×lb + ls + bh, ठीक है।
तो क्या कीजिएगा, दो गुने एल का मान, तो एल का मान कितना निकला दोस्तों, आठ निकला है, गुने बी का मान, बी का मान कितना है चार है, फिर प्लस है ठीक है, एल एच का मान, एल का मान कितना है आठ है और गुने एच का मान भी चार है, फिर बी एच का मान, बी का मान दोस्तों यहाँ पे चार है, गुने एच का मान कितना है चार है। आपको क्या करना होगा, दो कोस आठ चौका कितने हो जाएंगे बत्तीस हो जाएंगे, फिर प्लस आठ चौका कितने हो जाएंगे दोस्तों तो बत्तीस हो जाएंगे, और चार में चार से गुना कर दीजिएगा तो चार चौका सोलह हो जाते हैं। उसके बाद में सिंपल स्टेप है, क्या करना है आपको कि दो का दो कोस हटाए तो गुना बत्तीस में बत्तीस को ऐड करते हैं तो चौंसठ हो जाते हैं, चौंसठ में सोलह को ऐड कर देते हैं ना तो अस्सी हो जाते हैं। उसके बाद में अस्सी में आपको दो से गुना कर देना होगा तो अस्सी दूनी कितने होते हैं एक सौ साठ होते हैं, जो कि आपका सेमी स्क्वायर में आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मैं प्रत्येक दिन आप सभी स्टूडेंट के लिए इस सही मैट्रिक का प्रत्येक विषय का सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता ही रहता हूं, तो जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। दोस्तों मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब आपके डाउटनेट पे होंगे सारे डाउटों का सफाया, बस डाउटनेट ऐप से किसी भी क्वेश्चन का फोटो खींचिए और तुरंत पाएं वीडियो सॉल्यूशन, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप और करें अपने हर डाउट की छुट्टी सिर्फ 10 सेकंड में।